दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से वाई टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ आपकी बात करवाना चाह रहा हूँ जो कि आदिवासी क्षेत्र से आती है, वनगाम क्षेत्र से आती है, और अपने घर के अंदर महिलाओं लड़कियों को नेतृत्व क्यों लेना चाहिए उस पर बात करेंगी हमारे साथ। तो हमारे साथ स्वाति है। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाई टॉक में। स्वाति, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने गांव के बारे में कभी सभी दर्शकों को आप बता पाएं। मेरा नाम स्वाति है और मैं वनग्राम खात्मा खेड़ा की रहने वाली हूँ। और जहाँ तक मेरे एजुकेशन की बात की जाए तो मेरा एजुकेशन 2016 से ख़त्म हो चुका था 10वीं करके, और अब मैं अभी टिमन्नी कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। और रही बात समुदाय और परिवार की, तो पहले मैं 2015-16 में ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई से कुछ इंटरेस्ट नहीं था, और ऐसा कि मैं करना भी नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाई कर क्या करूँगी, क्योंकि वो घर और स्कूल की दूरी ऐसी थी कि रास्ते अनसुने थे और ऐसी सड़क भी नहीं थी, ना व्यवस्थाएं थी। जिस दौर से मैं स्कूल जाती थी वो रास्ता इतना दहशत भरा था कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और कई सारी मुसीबतें आती थी। तो ऐसी सारी मुसीबतें देख के मैं भी उन धारणाओं में पली बड़ी हूँ जहाँ पर लोग सोचते हैं, समझते हैं, तो उस धारणाओं के साथ मैंने अपने आप को ढाल लिया और अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और इसके बाद मैंने 4 साल अपने घर पर ऐसे बिताए हैं कि जैसे एक पिंजरे में एक तोते को अपन घर पर शोकेस के लिए रखते हैं, वैसी तरह मेरे घर वालों ने मुझे 4 दीवारी में कैद कर दिया था। इसके बाद फिर मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में जो चल रहा है, जो नया रोज़ आ रहा है, वही ढल गई। मैं उसी को एक्सेप्ट कर लिया कि जो हो रहा है होने दो। उसके बाद मैं बच्चों के साथ बहुत लगाव रहता था पहले मेरा, तो मैं मतलब जहाँ बच्चे होते थे वहाँ जाकर अक्सर बैठ जाया करती थी। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक दीदी से हुई जो कि सिनर्जी संस्थान में एक फेलोशिप करती थी, और उसी दौरान मैंने उस फेलोशिप के बारे में पूछा तो नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह की समस्याएं जो हैं वो नेतृत्व क्षमता पर और सपनों पर एक सिनर्जी संस्थान है जो कि जमीनी लेवल पर काम करता है। जैसा आपने बताया कि खात्मा खेड़ा से आती हैं, तो खात्मा खेड़ा वनग्राम है ये तो ज़रूर जानते हैं, मगर उस गांव के बारे में, उस समुदाय के बारे में, मुझे पता है कि गोंड समुदाय वहाँ पर रहता है, उनके बारे में थोड़ी आपके अपने बारे में और कभी आप बता पाएँ, और अपने परिवार के बारे में कभी आप थोड़ा और विस्तार से बता पाएंगे तो और समझने में आसानी होगी सभी को। रही बात समुदाय की, मेरे समुदाय में सब गोंड आदिवासी समुदाय से हैं, और उनकी जो सोच है वो पहले की तरह वाली है, और उस पहले तरह की सोच की वजह से मैं भी 2015-16 में ऐसी ही बन गई थी। और अब ये है कि उड़ान में मैंने 1.5 साल अपने आप पर ही काम किया है कि कैसे मैं चीज़ों को समझूं और कैसे आगे, जो हम घर की दुनिया तो जानते हैं पर जब मैं अपने घर से बाहर निकलूंगी तो बाहरी दुनिया कुछ और होगी, उस बाहरी दुनिया को जाना और अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ और मैं 4 दीवारी में क्यों रहती थी। उड़ान अगर शायद ही मैंने नाम सुना था कभी, इवेंट में बहुत बार आई थी कि 2 बार मैं इवेंट में आई थी, पर ऐसा कुछ पता नहीं था कि उड़ान किस पर काम करता है, क्योंकि मुझे जानना ही नहीं था पहले। मैंने फिर मतलब ऐसी वर्कशॉप होती थी तो दीदियां थी जो कि आती थी, फिर मैंने भी वर्कशॉप में आना शुरू किया, बातें शेयरिंग करी, और फिर बातों से ही हमें सब कुछ पता लगता है कि अगर मैं खुद का कुछ शेयर करूंगी तो हो सकता है मेरे पास आके 4 लड़कियां अपनी बातें शेयर करें, तो उस शेयरिंग की वजह से आज मैं अपने आप को इस ऑफिस में आती हूँ, तो ऐसा लगता है कि नहीं, बातें बहुत ज़रूरी है और मेंटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरह अपने आप को हम मेंटरिंग के लेवल पर लेकर जाएं कि दोस्त हुए, मम्मी पापा हुए, भाई बहन हुए, परिवार की बात
मुझे समझ नहीं आती थी पहले कि परिवार मुझे ऐसा बोलता है। मुझे मतलब थोड़ी ऐसा होता है कि अंदर से गुस्सा आती थी कि अरे यार जब देखो तब परिवार मुझे यही बोलता है, मुझे ये काम करना ही नहीं चाहिए। तो मैं भी वो काम करना नहीं चाहती थी जो कि पढ़े लिखे लोग करते हैं। मैं वही काम करना चाहती थी जो घर की या तो फिर वो घूंघट में ढली हुई बहुएं करती है या फिर वहाँ की मम्मियाँ करती है, वही काम मैं करना चाहती थी। पर उड़ान की प्रोसेस के बाद बाद छोटी छोटी चीज़ों से मैंने आज खुद की लीडरशिप लेना सीखा है। खुद को घर में किस तरह अपने आपको प्रेजेंट करना है, अपनी समानता को बताना है कि जहाँ भाई है वहाँ पर मैं भी हूँ, मैं भी उनके बराबर हूँ, उस समानता को घर पे बताई हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से हम सब कुछ सीख जाते हैं, तो वही छोटी छोटी चीज़ें करके मैं आज तक अब उड़ान प्रोग्राम से मतलब उड़ान प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर हूँ। और जैसा अभी मेरे भाई की बात करती हूँ तो वो उनकी दुनिया अलग है। उनकी दुनिया कहीं उनकी किशोरी अवस्था से शुरू हुई और उन्होंने 20-25 साल में अपनी जो लाइफ में करना चाहिए वो उन्होंने कर लिया। पर कहीं ना कहीं उनको आज खालीपन लगता है कि अगर मेरा एजुकेशन अच्छा था और एजुकेशन के तहत मैं आगे कुछ काम करना चाहता था या फिर ये प्रोग्राम उस तक कभी और इस तरह की प्रोग्रामिंग पहुंच होती तो वो भी कुछ समझ पाते, तो उन्हें वो खालीपन लगता है। और उस खालीपन को मैं छोटी छोटी बातों से दूर कर रही हूँ, कोशिश लगी है मेरी। और अभी मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि एक वनग्राम के बावजूद मैं अपनी पढ़ाई कैसे रेहड़गांव और खातमाखेड़ा से उस बीच की दूरी पर कर रही थी जहाँ पर मेरे साथ या तो छेड़छाड़ बोलो या फिर यौनिक हिंसा बोलो, क्योंकि छेड़छाड़ एक छोटा मसला नहीं है, उसे लोग यही मानते हैं कि एक छोटा मसला है, लड़कियों के वजह से होता है। तो वो मैंने उस छोटे मसले की तरह नहीं देखा, मैंने वो बड़ा मसला है, क्योंकि या तो पुरुषवादी या फिर जो भी सोच है उनको उनकी सोच बदलने की ज़रूरत है कि वो लोग भी जिम्मेदारी लें कि उनकी मानसिकता की वजह से लड़कियां कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर कर आगे बढ़ती है। तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा पल रहा कि मैंने वो फेस किया है और यहाँ तक आई हूँ। मुझे लगता है कि माफ़ी चाहूँगा, बहुत गर्मी है यहाँ पर, है ना, तो पसीना पोंछ सकती हो तुम। स्वाति, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि महिलाओं और लड़कियों को अपने घरों में नेतृत्व लेना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है? महिलाएं और जो बालिकाएं जो किशोरियां हैं उनको बात अपनी हक की आती है तो वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम आज अपनी हक की बातें करना छोड़ देंगे तो जो हमारी छोटी बहनें हैं या फिर हमारे आसपास जो लड़कियां पली बड़ी हैं वो हमें देखती है वो भी उस सांचे पर ढल जाएंगी और वो भी बोलना बंद कर देंगी। क्योंकि अगर एक महिला या फिर बालिका बोलती है तो हज़ारों सवाल उठते हैं, तो उस हज़ारों सवाल उठने के भी कारण होते हैं कि वो उस बात को हज़ार बार सोचते हैं और उस पर फिर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता ही है। तो एक छोटी सी या फिर इसे छोटी बात कहो वो करना बहुत ज़रूरी है। और समानता की बात आती है तो किस किताब में ये नहीं लिखा है कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, वो हर जगह पढ़ने को भी मिलता देखने को भी मिलता, पर लोग उसे मतलब ऑब्जर्व करने के लिए तैयार नहीं है ना कि ये सब सही है। लोगों की सोच यहाँ तक होती है कि नई महिलाएं तो उनका ही काम करती है या फिर बर्तन मांजना जो घर का काम है वो महिलाओं का काम होता है, वो उस लेवल को बंटवारे में बांट देते हैं कि लड़कियाँ ये काम करेंगी लड़के वो काम करेंगे। तो हम जब तक 8वीं तक पढ़ते हैं तो हमें भी उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिलती ना कि हम अपने हक के लिए कुछ बोल सकते हैं या फिर कुछ कर सकते। तो वो मंच मुझे उड़ान से मिला है और मैंने अपने घर पर एक सीढ़ी जो आती है कि एक सीढ़ी चढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, उस सीढ़ी की तरह उसे प्रयास करके किया है और वो अब काफ़ी हद तक हुआ है। और
मैं अब तक अपने घर पे हूँ इसलिए कि जहाँ पर वो सारे सवाल जवाब या फिर फैसले की बात होती है तो मैं उस फैसले में सबसे अनिवार्य रूप से मुझे मौजूद होना पड़ता है, क्योंकि आज भले मेरे घर में मुझसे बड़ा भाई है पर मुझे एक लीडरशिप जो मिली है वो लीडरशिप होने का दायित्व मुझे घर पर मिल रहा है कि मैं उनके आगे मतलब कि या तो ये समझो कि मैं खुशी के मारे बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा होना बहुत ज़रूरी है, अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे परिवार कोई फैसला नहीं ले सकता। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबका साथ लेते हुए हम घरों के अंदर भी क्या बदलाव कर रहे हैं, और संविधान भी इसी को बोलता है कि जो संविधान जीने की बात है वो परिवार में भी संविधान जीने की ज़रूरत है, और वो आप कर पा रही हैं, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। और स्वाति, एक आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि खासकर जो क्योंकि आपने बताया आपकी कहानी में कि आपने स्कूल छोड़ दिया था 2016 में और वापस से फिर आपने स्कूल में जुड़ाव बनाया, स्कूल 12th पास किया आपने और फिर कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं, तो ये यात्रा के बारे में आप बताएं कि खासकर उन लड़कियों के लिए जो पढ़ाई छोड़ देती हैं और फिर बहुत सारे भ्रम में वो पढ़ाई वापस ही नहीं शुरू कर पाती हैं, तो उन लड़कियों के लिए आप क्या बोलेंगी, उन महिलाओं और उन पुरुषों के लिए भी जो कई बार पढ़ाई छोड़ने के बाद वापस नहीं जुड़वा पाते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, अपने भविष्य में कुछ करना चाहते तो उसका फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप शिक्षा को रोकोगे तो हो सकता है कि आपका या तो ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ निकल नहीं पाएगा और ना ही घर से, और अगर शिक्षा को आप उच्चतर शिक्षा पर लेकर जाओगे तो हो सकता है कि आपकी लड़कियां या आपके बेटे कुछ करके दिखाएं, और ऐसा ज़रूर होता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप कितनी भी कठिनाई हो कितनी भी चुनौतियां हो उसे फेस कर सकते हो। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत लड़ाई बहुत झगड़े किए हैं घर पर, और अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने सारे गैप के बाद पढ़ाई कर रही हूँ और मैं आगे आई हूँ, तो आज मेरी बहन का रास्ता खुला हुआ है और मेरे गांव की जो लड़कियाँ हैं किशोरियाँ हैं जो रेहड़गांव क्षेत्र में पढ़ाई कर रही है उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, मुझे लगता है कि शिक्षा सच में वो रास्ता है जहां आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं, और चाहे शिक्षा नौकरी ना दे मगर शिक्षा नौकरी पाने की काबिलियत पैदा कर दे, और वो काम करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये भी लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार में काम कर रही हैं, तो खासकर उन महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में कि अपने परिवार में आप नेतृत्व लें, ये जरूरी है, इसके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं ये संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि एक टाइम आता है जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो उस कंफ्यूज के लिए हमें बातें बहुत सुननी और कहनी पड़ती है, इसलिए मैं अभी भी कहना चाहूँगी कि जो हमारे अंदर जो भावनाएं होती है वो हमें शेयर ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं है कि वो किसी और को बता देंगे या उससे रास्ते खुलते हैं। और यहाँ तक मेरा रहेगा कि आप शिक्षा से जुड़े रहें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें, घर पर बात करें, क्योंकि बातों से ही सब कुछ हो सकता है। तो सच बात है, और इसीलिए वाई टॉक है कि बातों से ही सब कुछ हो सकता है, तो एक युवा बोलता है और युवा क्यों बोलता है वो भी वाई टॉक में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति इतनी गर्मी में हमसे बात करने के लिए, और निश्चित ही ये जो पूरा वाई टॉक का प्रक्रिया है वो भी इसीलिए कि आप जैसी लड़कियाँ जो एक तरीके से अपने गांव के अंदर अपने परिवार के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और आप एक तरह की रोल मॉडल भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए हमसे। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन भी इस बात के लिए कि हम सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं इस तरह की कहानियों को, स्वाति की कहानियों की तरह और लड़कियों की कहानी और लड़कों की कहानी, खासकर आदिवासी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, बहुत ही आंतरिक क्षेत्र जो कई बार हरदा पहुंचना भी कठिन होता है, इन सभी की कहानियों को सुनने के लिए आप बने रहिए हम लोगों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए हमारे YouTube चैनल को और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।